दिन दौरा बस्तर में, जिसमें युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम और उसके बाद 3 विधानसभा के संकल्प शिविर का आयोजन और बहुत शानदार, कार्यकर्ताओं में खूब जोश है, उत्साह है और पिछले समय से रिकॉर्ड मतों से जीतने की कोशिश इस समय भी होगी। सारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी ने लिस्ट जारी की है तो बता। हाँ, मुझे पता चला 21 लोगों की लिस्ट जारी हुई है। क्या कहेंगे? कोई खास नहीं है, हम लोग प्रतिद्वंदी रहे हैं और हर हमेशा जनता ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और आज भी मुझे मेरी पार्टी ने, मेरे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, प्रदेश नेताओं ने, हमारे पाटन की जनता और वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेम और स्नेह के बदौलत आज जो मुझे प्रत्याशी के रूप में वहाँ पर नामांकित किया है, मैं उसके लिए अपने पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब मज़ा आएगा और मज़ा इसलिए भी आएगा कि ये कैसे धोखेबाज, फरेबी, झूठ बोलने वाला, शराब नदियाँ बहाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला एक मुख्यमंत्री से जो छत्तीसगढ़ को कलंकित कर दिए हैं और खासकर पाटन क्षेत्र को कलंकित करने वाले इस मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का मुझे अवसर पार्टी ने दी है, बहुत मजा आएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पाटन धरती है और उस धरती को कलंकित करने का अगर किसी ने काम किया है तो ये वहाँ के विधायक और वहाँ के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। हर ओर भ्रष्टाचार है, हर ओर हत्या, बलात्कार, दुर्गति हो गई है। सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया इस भाव से सम्मानित करने वाले हम लोग आज अपमानित महसूस कर रहे हैं।